कलेक्टर इज ऑन द वे। हाँ ठीक है। नमस्ते मैडम, आपको इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। क्यों? आप यहाँ से गुजरने वाली हैं? ये जानने के बाद गांव वाले यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। क्या समस्या है उन्हें? वही पानी की समस्या मैडम। क्यों, यहाँ वाटर टैंक नहीं है? वाटर प्लांट पर अमल नहीं हो रहा? यहाँ कुल मिला के 3 टैंक है मैडम। पानी का लेवल नीचे होने की वजह से खारा पानी आता है। ठीक है, तुम लोग यही रुको, मैं उन लोगों से बात करके आती हूँ। मैडम आपको तो फंक्शन में जाना है ना? उसे कैंसिल कर सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट होने के नाते हमारी पहली ड्यूटी पब्लिक की हेल्प करना है, समझे? पानी सबका हक है, पानी हमारा हक है, पानी सबका हक है, पानी हमारा हक है। अधिकारी क्या क्या ऐसे पेश आते हैं? इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है। अधिकारी का इज्जत करने से हमें परहेज नहीं है, लेकिन हमारी फरियाद भी सुनने वाला तो कोई हो। इसे हटा। लेकिन बहुत धूप है मैडम। धूप सभी को लग रही है, तुम जाओ। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगी। न्याय मांगना आपका हक है, लेकिन उसके लिए दूसरों को तकलीफ देना गलत है। वहाँ देखिए कितनी गाड़ियाँ रुकी हैं। बच्चों को स्कूल पहुँचना है, किसी को ऑफिस जाना है और किसी को हॉस्पिटल भी जाना है। प्लीज उन्हें जाने दीजिए। हमें आपकी बात नहीं सुननी है। पहले हमारी सारी मांगे पूरी करिए, उसके बाद ही हम यहाँ सेटेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। रुक जाइए, अगर आपकी बात ना सुनी जाए तो आप नारे लगा सकते हैं। मैं कह रही हूँ ना, बात करूंगी, लेकिन पहले स्कूल बस को जाने दीजिए। प्लीज आप सब लोग इस तरफ आ जाइए। मैडम आपने कहा कि बच्चों को स्कूल जाने दें। हम उन्हें स्कूल तो भेज देंगे, लेकिन क्या वहाँ उन्हें पानी मिलेगा? अगर पानी नहीं मिला तो गांव का कोई भी बच्चा कभी भी स्कूल नहीं जा पाएगा। मैडम आज की तारीख में पानी का संकट कोई साधारण समस्या नहीं है। अगर खुल के कहूँ तो ये प्रॉब्लम कुछ भ्रष्ट लोगों की देन है। इस समय आपकी समस्या का मैं एक सलूशन निकाल सकती हूँ। आपकी बात पर हम कैसे यकीन करें? अरे मैडम, जमीन में बहुत गहराई तक पानी नहीं है। यहाँ एक ही दुकान है जो पानी बेचता है। अब उसे पानी कैसे मिल जाता है मैडम, ये भी एक राज है। हमारे पेड़ों को देख लो, किसी भी पत्ते को हाथ लगाओ तो पतझड़ के सूखे पत्ते की तरह बिखर जाते हैं। लगता है जैसे हवा से सारी नमी सुखा दी गई हो। मैडम हमारी हालत जल से निकली मछली की तरह है। ऐसा लगता है वो मछली खुशी से उछल रही है, जबकि सच्चाई ये है कि वो मछली मौत पाने के लिए तड़प रही होती है। कुछ समय पहले लोग महामारी से जानवरों की तरह मर रहे थे, लेकिन अमीर ताकतवर लोगों ने उसमें भी फायदा ढूंढ लिया। बीमारी के लिए तो दवाई मिल जाती है, लेकिन प्यास के लिए क्या इलाज है मैडम, सिवाय लोगों को मरते देखने के? क्या हमारा कुछ नहीं हो सकता? मैडम मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता। एक बाप अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़ रहा है। हमारे लिए कुछ करो बेटी, नहीं तो यहाँ सब मर जाएंगे। हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो, कुछ करो बेटी, नहीं तो यहाँ कोई नहीं बचेगा। जब तक आपकी समस्या हल नहीं हो जाती मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज। बीमारी के लिए तो दवाई मिल जाती है, लेकिन प्यास के लिए क्या इलाज है मैडम, सिवाय लोगों को मरते देखने के? हमारे लिए कुछ करो बेटी। जी मैडम। अभी अभी एक वाटर टैंकर यहाँ से गुजरा है, चेक करो वो कहाँ जा रहा है। अभी देखता हूँ मैडम। हाँ बोलो। मैडम यहाँ पर एक बस खराब हो गई है, यहाँ करीब 45 टैंकर्स हैं। ये सारा पानी होटल्स और बड़ी बिल्डिंगों के कंस्ट्रक्शन के लिए सप्लाई किया जा रहा है। सभी टैंकर्स को सीज कर दो और गांव ले जाओ। इमारतों से ज्यादा गांव वालों को पानी की जरूरत है। वेट वेट, एक सेकंड। बिना परमिशन के टैंकर्स को सीज करने का ऑर्डर दिया ये मैं समझ गया, लेकिन उसी पानी को तुमने कई गांवों में पहुंचाया वो बिल्कुल गलत था। आफ्टर ऑल ये अधिकार तुम्हें किसने दिया? सर कानून वैसे ही होने चाहिए जिसमें जनता की भलाई हो। वो कानून किस काम के जिनसे जनता परेशान हो? मैडम आपने जिन गांव वालों को पानी देने की बात की थी वहाँ के लोगों को पानी मिल गया है, वो आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। मैडम आपने अपना वादा पूरा किया, हम आपके बहुत आभारी हैं। भगवान आपको लंबी उम्र दे, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, आप हमेशा खुश रहे।